हाय गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे घर पे कन्या पूजन कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। मैं आप सबके घर में अलग अलग तरीके से होता है और आप देख सकते हो बच्चों के पैर धुलवाए जा रहे हैं यहाँ पे। ये मेरी मॉम है, बच्चों के पैर जो है वो धो रही हैं। वो शुभ होता है, बहुत शुभ माना जाता है कन्याओं के पैरों को धुलना। एंड चलिए देखते हैं। देख सकते हो हलवा सर्व किया जा रहा है। बच्चों को हलवा अच्छा लगता है और वैसे भी ये तो बहुत टेस्टी लगता है, यम हलवा पूड़ी चने। तो मेरे घर पे क्या होता है ना, बेसिकली सबके घर में जो होता है अलग अलग होता है। सब लोग जो होते हैं वो दे देते हैं, बट मेरे घर में मेरी मॉम को है कि नहीं, उनको सामने खिलाना ही अच्छा लगता है। आप देख सकते हो छोले सर्व हो रहे हैं बच्चों के लिए। एंड बच्चों को इतनी जल्दी होती है जाने की, बिकॉज उनको होता है कि नहीं, उनको तो पैसे इकट्ठे करने हैं। लाइक सबको एक्साइटमेंट रहती है छोटे पे, तो वही सारे बच्चे बोल रहे थे कि नहीं, इनको जाना है जाना है, इसलिए वो खाना नहीं चाहते हैं। आप देख सकते हो ये बच्चा पोएम सुना रहा है। वेरी गुड। हाँ, तो देखा ना आपने कितनी अच्छी पोएम सुनाई इस बच्चे ने। मैंने इन बच्चों से बहुत सारी बातें भी करी, तो बच्चों को तो एक्साइटमेंट रहता है कि मेरे को ये आता है, मेरे को वो आता है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा जो भी आता है वो सुनाओ मेरे को, तो उन लोगों ने सुनाया था। एंड बाद में और भी कन्याएं आ गई थी, कन्याएं मिल नहीं रही थी लेकिन हाँ, 7 हो गई थी। 7 तो बहुत शुभ माना जाता है कन्याओं का, तो 7 हो गई थी। 7 भी काफ़ी रहती हैं। आप देख सकते हो ये बच्ची कुछ सुना रही है। वेरी गुड। देखा आपने कितना अच्छा इसने सुनाया, एंड ये बच्चा भी सुना रहा है। वेरी गुड। तो गाइज देखा ना आपने, बच्चे कितने एक्टिव हैं और कितनी अच्छी पोएम सुनाते हैं। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे कन्याएं कितना अच्छा लग रहा है सारे बच्चे देख के। बहुत ही, मैंने उनसे बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी चीज़ें पूछी। सब ने अपने स्कूल्स के बारे में बताया और सब अपने अपने घर के बारे में बता रहे थे, सब क्या करते हैं वो सब बता रहे थे। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया बच्चों से बात करके। ऑब्वियसली एक्साइटमेंट तो रहती है बच्चों से बात करने में, बिकॉज इतने छोटे बच्चे होते हैं और बच्चों के साथ में मज़ा आता है। और आप देख सकते हो ये खाना तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, हलवा चने पूड़ी। आप लोगों को में से किसको पसंद है सबसे ज़्यादा, प्लीज़ कमेंट में बताना। एंड सबके घर पे ही हुआ होगा कन्या पूजन, तो अब तो कन्या पूजन चला गया, अब नेक्स्ट ईयर ही आएगा। सो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है और इसमें देवी जी की पूजा होती है, सबको ही पता है ऑब्वियसली। और इसमें बहुत सारी विशेस पूरी होती हैं सबकी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी। और अब जो है बच्चों का टीका करा जाएगा, तो चलिए देखते हैं। मेरी मॉम इनका टीका कर रही हैं। वैसे तो मैं हर बारी कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ, इस बारी मेरे को टाइम नहीं मिल पाया कुछ भी लाने का, बट कुछ बिस्किट्स के पैकेट्स रखे थे तो वो मैंने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करे थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये इस तरीके से बच्चों का टीका किया गया था एंड पैसे दिए जा रहे थे उनको। ये मेरी मॉम है, बच्चों का टीका कर रही हैं। आप लोग देख सकते हो सारे बच्चों को इतनी एक्साइटमेंट है जाने की कि वो जल्दी जल्दी अपना टीका करा रहे हैं। आप लोग देख ही सकते हो कितनी अलेली कि नहीं, मेरा कर दो मेरा कर दो, लाइक ऐसा हो रहा था। तो